देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटिशन थी उसको खारिज कर दिया है, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, नहीं। कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है, और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए कैसे देखते हैं अब इसके उसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है सच या झूठ जो भी है वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। आज क्या चीफ जस्टिस प्रतिंकर दिवाकर ने कहा है विष्णु जी? देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में जो लिखित एफिडेविट दिया गया था। जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजस्टमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी है कितने दिन में एएसआई को सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। कोई विशेष टिप्पणी हाईकोर्ट की जो आपने विशेष टिप्पणी करी? जो हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजिशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है, और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्ग्यूमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्ग्यूमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्ग्यूमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। किस क्षण से शुरू हो जाएगा? आज से शुरू हो सकता है क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। देखिए, एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में, स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है, और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। ये एएसआई का एफिडेविट था। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। अच्छा, कोई डेडलाइन दिया है कि कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, उन्होंने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है तो अब सर्वे इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। शासन के ऊपर निर्भर है और एएसआई के ऊपर? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत लगातार बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है, और कोर्ट ने उनकी जो पेटिशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है, तो आज का इंपैक्ट यह है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता। बिल्कुल, आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाईकोर्ट जाने का मौका नहीं मिला, तो हाईकोर्ट ने उनको पूरा सुना और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पेटिशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंट्रीम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाए हुए हम सर्वे करेंगे, तो आज हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे अगर वो जाएंगे तो। जाने की बात तो कर रहे हैं, तो जाएंगे तो हम भी रहेंगे, सप्लीमेंट्री हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए, कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया है कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्ग्यूमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उस पर मोहर लगा।